भारत माता की। देश के बॉर्डर पर सरक्रीक के पास कच्छ की धरती पर देश की सेनाओं के साथ सीमा सुरक्षा बल के साथ आपके बीच दीपावली, ये मेरा सौभाग्य है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। टॉपिक हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, यूएई ने दिवाली के इस मौके पर चार दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। दोस्तों, भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब अमरीकी सदर जो बाइडन हो, बरतानिया के वजीर अजम केर स्टार्मर हो, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन हो या दुनिया का कोई भी लीडर हो, सबसे पहले आप सबको बधाइयां, आप सबको मुबारकबाद, हैप्पी दिवाली। दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको। दुनिया भर में जहां जहां पर भी दिवाली मनाई जा रही है और इंडिया के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा दिवाली मनाई जाती है। शायद आप लोगों को इसका इल्म ना हो लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अल्लाह करे कि हम खुशियों से, अमन से, अमन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इस मुल्क में एक झंडे के साए तले रहें। अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे और एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको हैप्पी दिवाली। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दोस्तों, जय श्री राम। और भाई, आपको और आपके परिवार को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ दीपावली। देखिए भाई, मरियम नवाज ने भाई मेरा दिल प्रसन्न लिया, जीत लिया है। आप लोगों का जीता है नहीं वो बताए। 1400 परिवारों को 15,000 पर परिवार को है जो आज चेक दिया है। और साथ में बोला है मरियम नवाज साहिबा को आज पता लगा, उसने बोला है कि भाई मेरा दिल दुखी हुआ है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। भाई साहब कब्र में पैर लटके पड़े हैं, इतनी बड़ी हो चुकी है, 21% पे हिंदू आ चुके हैं। मोहतरमा को आज पता लगा अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तानी जनता को पता लगा, वो काफिर कहने लगे मरियम नवाज को। आप लोग वीडियो देखिए और भाई आई लव यू मरियम नवाज जरूर लेके, क्योंकि हिंदुओं के लिए मरियम नवाज खड़ी होगी। वीडियो शुरू करते हैं। वंदे मातरम। लेकिन वो उनका है, हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में, कभी इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं हुए। हाँ, उनको नहीं हुए, दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए, बेशक वो जो भी करना चाहें, लेकिन हमारा उनमें पार्टिसिपेट करना, वही मैं रिपीट कर रही हूँ, बाकी वो मुनासिब नहीं है चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बस हमारे बहुत से कल्चर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है, वो बहुत सारे हैं, उनको हम क्यों नहीं मनाते हैं? कि उन्होंने क्यों मनाई है? वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी, उनको विश कर लिया यही हमारे लिए काफ़ी था। मतलब दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है लेकिन ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। मतलब बुरा क्या है ये बताएं? कि आप दिए जला रहे हो, डांस कर रहे हो, हर तरह की जो है वो खुशियाँ कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपने उनको विश कर लिया ये पाकिस्तान के लिए नहीं, सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बुरे लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बुरे लोग हिंदू हैं? हाँ जी। कैसे? अच्छे नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, हमारा दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करें हमारे मुल्क में कोई गैर मुस्लिम आए तो वो तो पाकिस्तानी है ना। हम मुसलमान हैं और वो हिंदू, हिंदुओं की मैं तो नहीं नाम शरीक हो सकती। क्रिश्चियन की हो सकते हैं? क्रिश्चियन की हो सकते हैं। अंग्रेजों की हो सकते हैं? अंग्रेजों के भी हो जाते हैं कभी। तो हिंदुओं से ही स्पेशल नफरत क्यों है? नफरत नहीं है लेकिन वो हमारा थोड़ा मजहब और है ना इस्लाम, और हम हिंदुओं की फिर नहीं ना कर सकते खुशी नहीं जा रही हूं। ऐसा मुस्लिम तो नहीं होना चाहिए, ऐसा मुस्लिम वो करें, ऐसा मुस्लिम ऐसा पाकिस्तानी हम वैलेंटाइंस डे भी मनाते हैं, ऐसा मुस्लिम ऐसा पाकिस्तानी हम ना, फिर वो अपने आप को मुस्लिम करना छोड़ दें। बोले ऐसे ही है। कैसे? देखिए आपका कल्चर है, आप उसको आज़ादी देने का ये मतलब नहीं कि आप उसको गवर्नमेंट लेवल पर कह दें कि सारे पार्टिसिपेट करें, जिस तरह की वहाँ के सिस्टम्स हैं
डांस पार्टीज होती हैं या जिस तरह बाकी सेलिब्रिटीज को इधर उधर की सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है और जितनी वल्गैरिटीज वहाँ पर हो रही है। लेकिन अगर हम एज अ मुस्लिम बनाते हैं दिवाली तो ये हमें अच्छी नहीं लगता, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं तो हमें एक मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमज़ान में 30 रोज़े भी रखे हैं, ईद उल फितर भी आती है हमारे लिए, ईद उल अज़हा भी आती है, इससे बड़ी और क्या चीज़ होनी चाहिए। बस अपने अपने घरों में करें, चौक पूरे करें, तंग ना करें, बस वो हमें तंग कर रहे हैं, बस हम परेशानियों में जंजीरों में पड़े हुए हैं उनकी वजह से। जी कि आज जी दिवाली है, मेन फेस्टिवल है दिवाली का आज, और कल छोटी दिवाली थी और उस पर भी हमने शोज किए थे और आज भी हम सारा दिन जो है वो मेरे फ्रेंड्स जो है उन्होंने मुझे इनवाइट करके रखा है, तो मेरा ख्याल है मैं शो के बाद जो है नॉन स्टॉप डिफरेंट चैनल्स पर आपको दिखाई दूंगी थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हैं। बाकी तो खैर वो लिंक जो है वो हमारे फ्रेंड्स शेयर कर देंगे भारत से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बहुत से लोग मुझे कह रहे थे काफी टाइम से कि जी आप साड़ी पहन कर आइए, साड़ी पहन कर आइए, तो जी मैं साड़ी में हाजिर हूँ। और दूसरी बात ये कि ये साड़ी मुझे लास्ट ईयर जो है वो इंडियन हाई कमीशन की तरफ से गिफ्ट मिला था, उसके साथ ये कंगन, गले का नेकलेस, झुमके, बहुत कुछ, और मिठाई तो हर साल ही आती है, तो इस साल भी मिठाई भी मिली है और वो भी मैंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन हाई कमीशन का भी, और वैसे भी एक साड़ी और भी मुझे उन्होंने गिफ्ट की है जो अभी तक मैं रख के बैठी हुई हूँ और अभी तक मैंने उसका ब्लाउज वगैरह नहीं बनवाया, वो भी जल्दी मैं टेलर को दूंगी और उसके बाद वो भी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। लेकिन खैर आज हम दिवाली का सेकंड डे है और हम बात करेंगे डेफिनेटली दिवाली की भी। सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं, मुबारकबाद, और आई विश के बहुत अच्छा रहे ये फेस्टिवल भी और इसके बाद आने वाला हर दिन आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आए। और जिनके जो लोग अगर कोई बीमार है या कोई और टेंशन है, घर में कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई किसी फ्रेंड से लड़ाई झगड़ा कुछ भी अगर किसी की लाइफ में कुछ गलत चल रहा है, तो आई विश के वो ठीक हो जाए और आप लोग जो है वो खुश रहे। बहरहाल बात हम करेंगे मरियम नवाज की, जी हाँ, जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। कल हमने आपको बताया ही था कि वो एक चिट्ठी लिखने लगी हैं, लेटर लिखने लगी हैं, खत लिखने लगी हैं और सोच रही हैं कि जी पंजाब के जो सीएम इंडिया में उनसे बात की जाए और जाहिर है एनवायरमेंट, क्लाइमेट, पॉल्यूशन को लेकर उनसे वो बात करेंगी। लेकिन साथ साथ जी दिवाली के मौके पर हिंदू कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने दिया भी जलाया, बताया जा रहा है तकरीबन 1400 फैमिलीज हैं, हिंदू फैमिलीज हैं जिनको के पर फैमिली 15,000 रुपीज का जो है वो चेक दिया गया या कैश दिया गया, जो समझ लें कि एक तरह से हमारी जो ईदी कही जाती है वो दी गई है। और उसके बाद मरियम नवाज, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी इस न्यूज में वो ये कि जी मरियम नवाज का ये कहना था कि उन्हें बहुत अफसोस है, उन्हें बहुत हैरत है और वो बड़ी मतलब डिस्टर्ब हुई है ये सुनकर के हिंदू कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, तो सबसे पहले तो भाई आरजू काजमी जी धन्यवाद, आप साड़ी पहन रही हैं, बहुत अच्छा लगा, दिल को छुआ। देखिए भाई मैं अभी रिएक्शन ले रहा था ना, जो अभी देखिए काफी वीडियो थोड़ी थोड़ी पार्ट उठाए हैं सारे, दिल खुश हो गया, आंखों में पानी है। क्यों है? क्योंकि मेरी ये खुशनसीब ही है, मैं इतना खुशनसीब मानता हूं कि मेरा जन्म सनातन धर्म में हुआ, वो सनातन धर्म, और उससे भी ज्यादा खुशनसीब मैं हूं कि मैंने बीजेपी को वोट दिया। और भाई आज जब तमाम देश दुनिया में जो डंका बज रहा है वो आप लोगों की वजह से बज रहा है, मोदी साहब का कुछ भी नहीं है इस डंका बजने में, क्योंकि मोदी साहब की पावर ही आप हो, आप लोगों ने उनको आगे किया है, उनको आगे नहीं किया, भारत को आगे किया है। जैसे ही विश्व के अंदर आज भारत की इमेज जो चमक रही है, जो इस्लामिक देश यूएई है वो बुर्ज खलीफा के ऊपर शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली चला रहे हैं, वो मुस्लिम कंट्री जो कभी भारत को बात नहीं करते थे वो आज हैप्पी न्यू ईयर लिखते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखते हैं, वो अमेरिका जो खाता था ऐसे हर मुल्क को, वो प्रेसिडेंट आज दिवाली मना रहे हैं। ये है भाई साहब, ये है मेरा सनातन जो एक शांति का संदेश देता है। आपकी क्या रिकमेंडेशन है? जरूर के जय जवाहर, जय श्री राम।